तो सब्सक्राइब कीजिए डिलाइटनेस ऑफ लाइफ को और क्लिक कीजिए बेल बटन पे मेरे सारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। Hey guys, welcome back to my channel Delightness of Life and good morning. कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम लोग अभी देखने जाने वाले हैं मूवी। और आज सैटरडे है, मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है, इतने दिनों के बाद हमें एवेंजर्स का टिकट मिला है, सो वी विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, रेडी होके मैं निकलती हूँ और इससे भी 2 घंटे पहले मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं कर लूँगी मेरा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, मतलब कि कॉर्नफ्लेक्स और मूसली, ये मिक्सिंग करके मैं लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कॉर्नफ्लेक्स और मूसली, क्योंकि मूसली खाली खाली खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी। तो रेडी हो गए हैं हम लोग और मैंने लिप शेड भी लगा लिया है और मेरी हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी। तो चलिए, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मुझसे ज़्यादा ये एक्साइटेड है एक्चुअली, इनको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मार्वल का फेम मतलब बहुत फैन है ये, बहुत बड़ा फैन है। तो चलिए अभी चलते हैं और वहाँ जाके मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मतलब आप बाहर जाओगे तो एकदम ब्लास्ट फर्नेस जैसा आपको फील होगा। मुझे भी इतनी देर तक ऐसा ही फील हो रहा था, पर हाँ मूवी बहुत अच्छा था कि पूरा जो मूवी का टाइम था ना, वो मैं और मेरे हस्बैंड का रिएक्शन बस ऐसा। और इंटरमिशन के बाद से एंडिंग तक का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा था, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी आप मतलब स्क्रीन से नज़र को हटा नहीं पाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है और मार्वल के जो बाकी के जो सीरीज है, जो प्रीवियस सीरीज है, वो अगर आप लोगों ने देखा है तो ये सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे हस्बैंड तो बहुत दुखी भी हो गए थे क्योंकि एंडिंग में आयरन मैन मर जाते हैं, तो इमोशनल हो गए वो। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मूवी है तो ऐसा तो होना ही है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, घर आने के बाद मैंने चेंजिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, पर मेकअप मैंने क्लीन नहीं किया है। करूंगी क्लीन करूंगी, ज़रूर क्लीन करूंगी, पर वो एक शावर लेने से पहले। तो उससे पहले मेरा कुछ काम है, मुझे लंच का भी प्रिपरेशन लेना है, तो इसलिए मैंने मेकअप को क्लीन नहीं किया है। और अभी मैं आप लोगों को एक रिफ्रेशिंग वाला स्मूदी रेसिपी दिखाती हूँ। जो ये जो समर का सीज़न है ना अभी, तो इस टाइम पे हमारा मन करता है कि हम तरह तरह के स्मूदी पिए, क्योंकि स्मूदी पीना बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आज मैं जो आपको स्मूदी दिखाऊंगी वो है बनाना स्मूदी, ठीक है? तो इसमें मैंने ये मिक्सी ग्राइंडर का कंटेनर है और इसमें मैंने 3 बनाना को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। और अब इसमें मैं मिलाऊंगी कर्ड। कर्ड मेरे घर पे बना हुआ कर्ड है और ये मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऐड कर दूँ। अगर आप चाहे तो ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून ही ऐड कर रही हूँ। और ये क्या है पता है आप लोगों को? दिख रहा है क्या आप कैमरा में? शायद नहीं दिखेगा। ये है चिया सीड। एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, देखिए ऐसा दिखता है। तो इसे बोलते हैं चिया सीड, और चिया सीड बहुत अच्छा होता है स्मूदी में। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो स्मूदी में यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप डिटॉक्स वाटर के साथ भी ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो मैं इसे स्मूदी में डालूंगी। मैंने इसको भिगो के रखा था मूवी में जाने से पहले, मैंने इसको भिगो में भिगो के लिए छोड़ दिया था। इसमें मैंने 2 टीस्पून चिया सीड मैं इसमें मिला रही हूँ। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कोल्ड वाटर। आप चाहे तो आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आइस क्यूब नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे गले में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है। थोड़ा सा
अभी इसको हमें मिक्सी में चला लेना है। तो स्मूदी मेरा हो गया है रेडी, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा या ना ज़्यादा पतला। और अभी मैं इसको डाल दूँगी मैसेंजर में। मैसेंजर में स्मूदी पीना मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा मैसेंजर को यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा मेरा ये स्मूदी एंजॉय कर रही हूँ। और मैंने शुरू कर दिया है मेरा कुकिंग, और आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। मूंग की दाल मैं सब्जी के साथ बना रही हूँ, मतलब गाजर, बीन्स और मटर, मतलब ग्रीन पीस जो बंगाली में हम लोग बोलते हैं मटर शुटी, तो उसके साथ मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, मतलब मूंग की दाल मिक्स सब्जी के साथ। और इसके बाद मैं बनाऊंगी दही परवल, मतलब 2 बॉटल, जिसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी आज। छिलके को उतार लिया है, और इस यहाँ पे मैंने कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा स्लिट लगाया है। सारे परवल को आपको ऐसे ही स्लिट लगाना है ताकि इसके अंदर मसाले जो है वो बहुत अच्छे से अंदर चले जाएं। और मैंने परवल को हल्दी और नमक लगा के रखा है। अब मैं परवल को ऑयल में फ्राई करूँगी। परवल को मैंने कर लिया है फ्राई, और अब मैं बनाऊंगी एक मसाले का पेस्ट। इसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा अदरक मैंने लिया है और उसको मैंने यहाँ पे कूट लिया है, और इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा हल्दी, इतना सा। अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ऑयल गरम है तो पहले इसमें मैं ऐड करूंगी 1 तेज पत्ता, और फिर जाएगा 2 कार्डमम और 3 सिनेमन। अब इसमें ऐड करूंगी 4 जीरा। और अब गैस को थोड़ा सा लो करके ये जो मसाले का पेस्ट हम लोगों ने बनाया था इसे ऐड कर देना। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हो कितना ऑयल निकला है इससे। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये फ्राइड परवल। मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से मसाले के साथ फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, और मैं इसको ढक के 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी ताकि परवल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो परवल मेरा बन चुका है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट भी हो गया है। और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 फ्लेटेड ग्रीन चिली।
और इसको थोड़ा सा मैं चला लेती हूँ। अब आता है मेन पार्ट, यहाँ पे मैंने कर्ड को अच्छे से फैट के रखा, थोड़ा सा चीनी मिलाया है मैंने इसमें और ये मैं डाल दूंगी इसमें। जब आप दही डालोगे ना परवल में, तब गैस का फ्लेम बहुत ही धीमे करके रखिएगा, क्योंकि अगर गैस का फ्लेम तेज पे रहेगा ना तो ये जो दही है वो ग्रेवी में जाके फट सकता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और धीमे आंच पे मैं 2 to 3 minutes के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और ढक्कन लगा के मैं छोड़ रही हूँ। और आफ्टर 2 to 3 minutes मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो मेरा कुकिंग हो गया है कंप्लीट, परवल तैयार हो गया है और परवल को मैंने प्लेटिंग कर लिया है। और प्लेटिंग करने से पहले मैंने इसमें 1/2 teaspoon घी मिलाया है और इधर तो बहुत ज़्यादा मेस हो गया है कुकिंग करते करते, तो झटपट मैं इसे साफ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक शावर लेने के बाद। ठीक है, तो अभी तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो झटपट से मैं शावर लेके आती हूँ। तो ये है हमारा सैटरडे का वेज थाली, ये है वो सब्जी वाली मूंग की दाल और ये है दही परवल और वहाँ पे है कुछ स्लाइस किया हुआ क्यूकम्बर और एक स्लाइस है लेमन का। तो चलिए गाइस मैं कर लेती हूँ मेरा लंच, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, तो अभी हो गया है इवनिंग और इवनिंग के बज रहे हैं 7:30। आफ्टर लंच ना मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं तो रेस्ट करने के लिए आई, फिर मैं एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करते करते मैं पता नहीं कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं उठी तो शाम के 6:30 बज चुके थे। तो गाइज मुझे आप लोगों के साथ दो चीज़ शेयर करना है कि उस दिन जब मैं शिवाजी नगर गई थी तो आप लोगों ज़रूर आपके मन में आएगा कि मैं क्या क्या खरीदा मैंने वहाँ से। इसलिए मैं दो चीज़ मैंने खरीदा है दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पहला वाला चीज़ है ये, एक मिनट, पहला वाला चीज है ये, कितना साउंड कर रहा है ना, बहुत सुंदर सा साउंड करता है ये। एक हैंडमेड विंड चाइम है, इतना वाइब्रेंट है, इतना सारा कलर है इसमें कि मैं बस ये दिखा और बस मुझे पसंद आ गया और मैंने ले लिया। एक्चुअली मेरा जो बैल्कनी है जहाँ पे मैं गार्डन बनाया है मैंने, तो उसको मैं इलाबोरेट करूँगी, उसको मैं बढ़ाऊँगी और भी बहुत सारा प्लांट्स मैं लगाऊँगी। तो वो जो बैल्कनी है मैं ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से उसको डेकोरेट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये खरीदा है उस बैल्कनी के लिए। और गेस करो कि इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है ओनली 100 rupees। यस, शिवाजी नगर है ना, इसलिए शिवाजी नगर में मिलते हैं इतने सस्ते में। दूसरा वाला जो चीज़ मैंने खरीदा है वो है ये, प्रिटी है ना, और इसका प्राइस मुझे पड़ा ओनली 270 rupees। तो बस शिवाजी नगर से मैंने ये दोनों चीज़ें ही खरीदे हैं। तो ये वाला जो ब्लॉग चल रहा है गाइस, ये मॉर्निंग से लंबा चल रहा है, तो इसको मैं अभी एंड करती हूँ। और एक चीज़ गाइस, अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब डिलाइटनेस ऑफ लाइफ। और एक चीज़, हिट द बेल आइकन गाइस, अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करोगे तो आपको मेरे चैनल का जो नए अपलोड्स आ रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में अपने आप चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।